हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहे थे कि सर खजूर की प्लांटेशन किस तरीके से हम करते हैं, डेट पाम को किस तरीके से लगाते हैं, क्या क्या इसमें कितने बाई कितने का हॉल साइज होता है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं लोगों के, वो सभी को आज मैं कवर करने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा और वन बाई वन करके सभी क्वेश्चनों के आपके जवाब में देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो आप देख रहे हैं ये हमारा बहुत बड़ा फार्म है, यहाँ पर बहुत सारी हमने खजूरों की प्लांटेशन कर रखी है। अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके के प्लांट्स को यहाँ से परचेज करना तो परचेज भी कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं और इन प्लांट्स को यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। जो लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे वो मैं आज कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले जो लोगों का क्वेश्चन रहता है कि इसमें हॉल कितने साइज का होना चाहिए। दोस्तों जब भी हम प्लांटेशन करते हैं खजूर की, जब हम डेट पाम की प्लांटेशन करते हैं उसमें कितने बाई कितने का हमको हॉल करना चाहिए, और जब भी हम प्लांटेशन करते हैं डेट पाम की तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यही होता है कि इसमें भाई कितने बाई कितने का हमको हॉल करना चाहिए। दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं ये इसकी पिंडी है, ये इसकी जो हॉल साइज है दोस्तों, इसकी जो पिंडी का साइज होता है वो लगभग 2.5 से 3 फीट का होता है। तो हमको जो जब भी हम इसकी प्लांटेशन तो इसमें हम 3 फीट बाई 3 फीट का एक गड्ढा कर लेंगे, हॉल कर लेंगे, जिसमें हमारे जो प्लांट्स की जो ये रूट्स है, ये इसकी जो जड़ है, ये जड़ अच्छे से फिट हो जाए दोस्तों। तो क्योंकि इसकी जो गोलाई होती है लगभग कम से कम मान के चलो 60 से 70 इंच की इसकी गोलाई होती है, काफी हैवी प्लांट्स होते हैं, इसलिए आपको 3 फीट बाई 3 फीट का इसमें सबसे पहले हॉल कर लेना है। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों मैं लेकर चलता हूँ कि इसमें कौन सी मिट्टी, ज्यादातर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी रहता है कि सर इसमें कौन सी मिट्टी ज्यादा अच्छी रहती है, कौन सी मिट्टी इसमें बेस्ट रहती है, और दूसरा क्वेश्चन यही है हमारा। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप प्लांटेशन करते हैं तो इसमें सबसे पहले आप सैंडी सोयल का यूज करें, क्योंकि आप ये जो देख रहे हैं ये हमारे नॉर्मल गार्डन की नॉर्मल सोयल होती है जिसको सैंडी सोयल बोलते हैं। ये जो देख सकते हैं ये रेतीली मिट्टी होती है, इस तरीके की जो मिट्टी होती है ये रेतीली मिट्टी होती है। रेतीली मिट्टी दोस्तों इस वजह से हम लगाते हैं क्योंकि हमारे जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाएं और बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएं। इसी वजह से दोस्तों जब भी आप इसको रेतीली मिट्टी में सैंडी सोयल में इनको प्लांटों को लगाएंगे तो आपके जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो होंगे। और दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन है कि हम जब भी प्लांटेशन करते हैं पौधों की तो इसके लीव्स जो होती हैं, पत्तियाँ जो होती हैं, इसकी पत्तियों को क्यों बांधते हैं, क्या वजह है इसकी जो हम इन पत्तियों की पौधों की पत्तियों को बांधते हैं, और इसकी पत्तियां जो बांधते हैं हम कितने टाइम तक इसकी पत्तियों को बांधा रहना चाहिए। और दोस्तों इसका जो सीरियसली जो जवाब है, इसका जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, इसका जो पत्तियां हम बांधते हैं, इसकी जो लीव्स को बांधते हैं, इस वजह से बांधते हैं कि जो हमारे सूर्य की जो प्रकाश होता है ये डायरेक्टली इसकी जो सेंटर की गॉब होती है उस पर आके पड़ता है। इस वजह से हम इसकी जो पत्तियां बांध देते हैं जिससे हमारी जो सेंटर की गॉब होती है वो अच्छे से दबी रहे और हमारा पौधा जो है ये अच्छे से ग्रो होता रहे। और ये हमारी साइड की जो पत्तियाँ होती हैं, ये वाली साइड वाली पत्तियाँ अगर सूख भी जाती हैं तो हमारी जो सेंटर की गॉब होती है ये, अगर हमारी पौधे की गॉब नहीं मरती है, ये अच्छे से चल जाती है तो हमारा पौधा जो है वो अच्छे से चल जाएगा, इसका मेन रीजन यही होता है। और इसको जो खोलने का जो टाइम होता है, अगर आपने प्लांटेशन करी है इसकी जो लीव्स आपने बांध रखी है तो मैक्सिमम इसकी 30 डेज होती है इसका पीरियड, और ये जो है आपका 15 डेज से 30 डेज तक आप इसको बंधा रहने दें जिससे आपका जो पौधा है अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि ये आप 15 से 20 दिन या आप 1 महीने तक इसके पत्ते बंधे रहने दें जिससे आपका पौधा अच्छे से सेट हो जाएगा, फिर आप इसकी पत्तियां खोल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बात करते हैं। और नेक्स्ट सवाल है हमारा कि बहुत सारे ये भी क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का पूछा जाता है कि सर कौन से साइज की खजूर हमें परचेस करनी चाहिए, कितने बाई कितने का स्टम्प सबसे बेस्ट रहती है खजूर। तो मैं आपको बता दूं जो सबसे बेस्ट खजूर मानी जाती है वो 5 से 6 फीट स्टेम या 8 से 10 फीट तक के स्टेम की खजूर सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि ये जो साइज होता है ये सबसे बेस्ट साइज माना जाता है और इसको प्लांटेशन करने में काफ़ी अच्छे से इसकी प्लांटेशन भी हो जाती है, इसमें मरने के चांस बहुत कम रहते हैं।
ये जो आप प्लांट्स देख सकते हैं ये 8 से 10 फीट तक की स्टेम के ये डेट पाम्स हैं और देखने में काफी खूबसूरत भी लगते हैं। आप जितने बड़े साइज का आप डेट पाम्स खरीदेंगे तो उसका जो स्टेम होता है वो उसकी थिकनेस कम होती चली जाती है और देखने में खूबसूरत बहुत कम लगता है। तो इस वजह से जब भी आप प्लांट्स खरीदें तो 8 से 10 फीट स्टेम या 5 से 6 फीट स्टेम की खजूर ज्यादा परचेस करने की कोशिश करें, क्योंकि ये प्लांट्स जो होते हैं ये अच्छे से चल जाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सभी प्लांट्स काफी अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स हैं। अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके के प्लांट्स को यहाँ से परचेस करना तो परचेस भी कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं और इन प्लांट्स को यहाँ से परचेस भी कर सकते हैं और हमारी नर्सरी पर आप विजिट भी कर सकते हैं। हमारी जो सप्लाई है पूरी ऑल इंडिया में हमारी सप्लाई है। ये दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे बड़े साइज के प्लांट्स होते हैं उनमें क्या दिक्कत आती है। दोस्तों ये जो प्लांट्स आप देख सकते हैं ये काफी मोटा प्लांट्स है और इसकी हाइट 12 से 15 फीट तक की हाइट के प्लांट्स है, लेकिन इनमें दिक्कत क्या आती है, ये थोड़े इसके स्टेम या तो ज्यादा मोटा हो जाता है या इसमें टेढ़ापन आ जाता है। इस वजह से आप 8 से 10 फीट का के स्टेम की खजूर या 5 से 6 फीट के स्टेम की खजूर आप परचेस करेंगे तो आपको ये बेनिफिट होने वाला है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट प्लांट्स मिलेंगे, बिल्कुल सीधे सीधे प्लांट्स मिलेंगे। ये देखिए इनमें यही दिक्कत आती है, ये देख सकते हैं ये काफी पतला है, कोई बिल्कुल पतला होता है और कोई ज्यादा मोटा होता है। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हम सभी साइज के प्लांट्स आपको दे सकते हैं। हमारे पास सभी तरीके के सभी साइज के बड़े से बड़े प्लांट्स भी आपको इस नर्सरी पे मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें 12 से 15 फीट 20 फीट तक के प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल है और काफी अच्छी क्वालिटी है। हम जो भी प्लांट्स लगाते हैं छाट के प्लांट्स लगाते हैं और सभी को जब भी किसी को हम सेल करते हैं तो इसमें से अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्लांट्स निकाल कर दिए जाते हैं। और हमारा नेक्स्ट सवाल है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन पूछे जाने वाला ये सवाल है कि दोस्तों इसको कितना पानी हमको देना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसमें कितना पानी हमको देना है, कब तक पानी इसमें देना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप प्लांटेशन कराएं, जब भी आप प्लांट्स लगाएं तो आप इन प्लांट्सों को आपको पानी खूब भर के देना है। जिस तरीके से हमने पानी दिया है, इसकी जो रूट्स है आप देख सकते हैं इसकी रूट्स के अंदर पानी चला जाए इतना आपको पानी देना है। और स्टार्टिंग में आपको कम से कम 1 महीने तक 1 मंथ तक आपको अच्छे से इसमें पानी देना है, जिससे आपके जो प्लांट्स है ये अच्छे से ग्रो हो जाए और आपके जो प्लांट्स की रूट्स है वो रूट जैसे पानी पहुंच जाए। और ये देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आप भी बहुत अच्छे से इसमें पानी दे सकते हैं, उनको भर के आपको पानी देना है। आप चाहें तो इसमें ऊपर भी आप पानी छिड़क सकते हैं, अगर आपके पास कोई पाइप है पाइप से आप पानी दे रहे हैं तो आप इसके ऊपर भी पानी छिड़क सकते हैं और नीचे आपको बहुत ही अच्छे से पानी को भर देना है, जिससे आपके प्लांट्स की जो रूट्स है अच्छे से डेवलप हो जाए और उसमें पानी खूब अच्छे से भर जाए। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम जो ये डेकोरेशन वाली प्लांट्स लगाते हैं, डेकोरेशन वाली जो खजूर के प्लांट्स हैं, ये डेट पाम के प्लांट्स हैं, इनको हम जब भी लगाते हैं क्या इन पे खजूर आती है या नहीं आती, या इसमें कोई नर या मादा का कोई मेल होता है या नहीं होता, या इसमें कितने साइज की खजूर आती है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, इसमें कोई नर मादा का कोई सीन नहीं होता और ये जो प्लांट्स हैं ये सभी डेकोरेशन के पर्पस से लगने वाले प्लांट्स हैं। इसको आप अपने फार्म हाउस में, रिसोर्ट में या कोई मैरिज होम में कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं, बड़े आसानी के साथ लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले प्लांट्स होते हैं। और रही बात इसकी डेट्स की दोस्तों, इस पर डेट्स आती है या नहीं आती है, तो मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं इसमें डेट्स भी आती हैं, लेकिन इसमें स्मॉल साइज की डेट्स आती हैं जिनको आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते और इसको आप खा भी सकते हैं बड़े आसानी के साथ। ये खाने में अच्छी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप बड़े आसानी के साथ खा भी सकते हैं। और दोस्तों इसमें किसी पौधे पे डेट्स आ जाती हैं और किसी पौधे पे डेट्स नहीं भी आती हैं। तो इस वजह से आप जब भी प्लांट्स खरीदें तो ये डेकोरेशन के पर्पस से इन प्लांट्स को खरीदें कि इस पे किसी पौधे पे खजूर आ भी सकती है और ना भी आ सकती, ये आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसे बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर इसको हम कितना गहरा दबाएं, क्या इसको हम इसकी पिंडी जो होती है बस ओनली पिंडी को दबाएं, या इसको हम इसके स्टेम को भी दबा सकते हैं, और बहुत सारे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते रहते हैं। तो दोस्तों जब भी आप प्लांटेशन करें तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो आप देख सकते हैं ये इसकी जो पिंडी होती है, यहाँ तक इसको बंधा हुआ होता है, यहाँ तक इसकी जड़ होती है, आप देख सकते हैं इस तरीके की इसकी जड़ होती है कि काफी मोटी होती है। इस जड़ को आप ज्यादा दबाना नहीं है,
अगर आप इसको ज्यादा दबाएंगे तो पौधे में फंगस लग सकती है और पौधे में वहां तक नमी नहीं जा पाएगी। और अच्छे से पानी अगर आपने इसको पौधे को नहीं दिया, अगर आपने सपोज करो इतना स्टम इसका 2 फीट या 1.5 फीट का स्टम इसका दबा दिया तो पौधे में फंगस लग सकती है और पौधा डैमेज भी हो सकता है। इसी वजह से आप इसमें ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं करें, 2.5 से 3 फीट के गड्ढे आप इसमें करा लें। जब भी आप हॉल करेंगे तो 2.5 से 3 फीट का आपको हॉल जरूर कर लेना है, जिससे आपके जो पौधे की ये पिंडी है जहां तक की ये जड़ होती है, जड़ अच्छे से इसमें आ जाए। ये देख सकते हैं, बस ओनली आपको जड़ जड़ दबानी है, इसके स्टेम को नहीं दबाना है। अगर आपने स्टेम को दबा दिया तो आप जब भी इसको पानी देंगे तो ज्यादा ज्यादा इसके यहाँ तलगी पानी आ पाएगा और नीचे इसमें पानी नहीं पहुंचेगा, जिससे इसमें सड़न पैदा हो सकती है और ये पौधा डैमेज हो सकता है। इसलिए आप इसको ओनली इसकी जड़ को ही दबाना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों का ये भी पूछा जाता है कि सर इसमें कौन सा फर्टिलाइजर डालते हैं हम। दोस्तों जब भी आप स्टार्टिंग में प्लांटेशन करें तो आप कुछ भी फर्टिलाइजर नहीं डालें, या अगर आप डालना चाहते हैं तो आप काउडंग डाल सकते हैं, जो हमारी गोबर की खाद होती है उसका आप यूज कर सकते हैं। और जब भी आप गोबर की खाद अगर इसमें डाल रहे हैं तो आप फंगिसाइड की जरूर डाल दें, जो हमारी दीमक की दवाई होती है वो इसमें जरूर डाल दें, क्योंकि उसके बाद जब आपका पौधा रिकवर हो जाएगा, अच्छे से चल पड़ेगा, उसके बाद आप गुड़ाई करने के बाद इसमें और गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट वगैरह आप डाल सकते हैं। और चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।